मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपको स्क्रीन विजिबल होने के बाद मुझे बताइए बस। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? विजिबल है? ओके गुलशन, यहाँ ऐश्वर्या, विशाखा, राज, कल्याणी, काजल, समीक्षा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका मतलब आवाज मेरी तक मुझे ना सुनाई दे, तो ऐसे समय पे आप चैट बॉक्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, मैं समझ जाऊँ। ठीक है, आप मुझे मैसेज भी डाल सकते हैं इस कॉल पे। ओके समीक्षा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं पाइथन के लिए। ठीक है, ये बैच हम कंडक्ट करने वाले हैं। इस बैच में अगर आपने देखा होगा तो हमने ऐसा लिखा हुआ है, पाइथन फुल स्टैक, ये लिखा। ओके, अब आप लोगों ने पाइथन ये वर्ड सुना होगा कई बार, फुल स्टैक क्या है ये भी आप समझ जाओगे। पहले तो हम बात करते हैं पाइथन के बारे में। अच्छा, आप लोगों को मैं पूछना चाहूंगा कि आपको सी लैंग्वेज आता है? आपको मालूम है सी लैंग्वेज के बारे में? बेसिक नॉलेज भी रहा तो भी बढ़िया है। आप मुझे यस नो में आंसर कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज। ओके गुलशन, लगभग सभी लोगों को बेसिक सी लैंग्वेज का नॉलेज होता है, फर्स्ट ईयर में सबका ही हुआ है। आप लोगों ने कई बार मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के नाम सुने हुए हैं। आपने सी लैंग्वेज, आपने सी प्लस प्लस, राइट? सबसे पहले आपने सुना होगा सी लैंग्वेज, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। सी प्लस प्लस सेकंड ईयर में रहता है बोर्ड टाइम। फिर हम कई बार जावा पढ़ते हैं, फिर शायद आपने डॉट नेट देखा होगा और एडवांस आप बढ़ते हैं, पीएचपी देखा होगा आपने। सही है, यह सभी लैंग्वेज के नाम आप लोगों ने सुने हुए, करेक्ट विशाखा? आप सभी लोगों ने ये लैंग्वेजेस सुनी हुई है। ठीक है, आपको मालूम है सी लैंग्वेज थी, उसके बाद में सी प्लस प्लस आई, फिर जावा, फिर डॉट नेट और पीएचपी और ना जाने क्या क्या क्या। ठीक है, इतने में क्या हो रहा है कि आप सभी लोग मतलब एक लैंग्वेज को आप बहुत ज्यादा बार सुन रहे हो, वो है पाइथन। अब मेन चीज है कि ऐसा क्या है भाई कि भाई पाइथन में बहुत ज्यादा बूम आ गया है या फिर बहुत ज्यादा चल रहा है उसके अंदर। हमने अगर जॉब के बारे में भी अगर सर्च किया थोड़ा बहुत, पोर्टल पे भी अगर आप सर्च करते हो तो पाइथन के बारे में कई ज्यादा आपको चीजें सुनने को मिलती है, जॉब्स है ये देखने को मिलता है ना। अब देखिए इसमें ऐसा क्या है, आपको एक पीपीटी मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ये पीपीटी? यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है द 9 इन मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेजेस 2021। अभी 21 तो खत्म हो रहा है, अभी 22 स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी पाइथन बरकरार है। आपने अगर ये अगर बॉल्स आप देख रहे हो, ये ग्राफ है एक्चुअली, एक इमेज मैंने डाला हुआ है, ये अगर आप देख रहे होगे तो देखो इसमें पाइथन और उसके बाद में जो है जावा, फिर इधर सी शार्प और सी प्लस प्लस, मतलब ऐसे गिने चुने कुछ लैंग्वेजेस जो आपने सुने हुए हैं वो है वहां पे। लेकिन जो पाइथन वाला पार्ट है वो देखिए, सबसे ज्यादा वाला पार्ट इसने कवर करके रखा, ये डिमांड है 26.7, मतलब जितने भी लैंग्वेज है उसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो लैंग्वेज चल रहा है वो पाइथन चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक पाइथन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो स्टे विथ मी, देन हम जाते हैं जॉब ट्रेंड के बारे में। ये एक्चुअली मैंने इंडीड, आपने सुना होगा naukri.com, indeed.com, shine.com, उसके ऊपर से मैंने कुछ एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिसके बारे में
जॉब की अवेलेबिलिटी किस तरह से है ये हम दिखा रहे हैं। तो इसमें भी देखो, आपको अगर देख पा रहे हो प्रॉपर, तो ये जो लाइन है ऊपर का लाइन देखिए, वो पाइथन वाला है ग्रीन कलर का, वो सभी लाइन से ऊपर है, मतलब ये डिमांड्स है लैंग्वेजेस के। ओके, अब देखिए 2012 है, 13 है, 14, 15, 16, ठीक है। तो ये इसमें से ये पता चल रहा है कि हमको डिमांडिंग जो लैंग्वेज है वो पाइथन का डिमांड डे बाय डे बढ़ रहा है। अब पाइथन का जो डे बाय डे क्यों बढ़ रहा है, ये इसमें से सीखने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ है कि पाइथन का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अगर एजुकेशन पर्पस से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी लैंग्वेज का आप लोगों ने नाम सुना होता है तो वो है जावा, क्योंकि जावा और सी ये जो दो लैंग्वेज है वो लगभग हर ईयर को रहती है, हर टेक्निकल जो एकेडमिक कोर्स हम करते हैं उसमें वो लैंग्वेज रहती है। अब हो भी क्यों ना, देखिए आपको मालूम होगा कि जावा किसने बनाई है, आपको मालूम है, कोई बता सकता है कि जावा किस कंपनी का प्रोडक्ट? क्या कोई बता सकता है? चलिए, कल्याणी ने आंसर दिया, जेम्स गॉसलिंग। अच्छा, कौन सी कंपनी थी वो याद है आपको? हमने कई बार लिखा भी होगा, वो कौन सी कंपनी थी? पूजा ने आंसर किया है कंपनी के बारे में कि सर वो कंपनी थी सन माइक्रोसिस्टम। ओके, जावा जो है वो सन माइक्रोसिस्टम ने बनाई थी, और हाल ही में एक्चुअली अभी अभी सन माइक्रोसिस्टम के पास नहीं है उसका ओनरशिप, उसके पास है ओरेकल के पास, ठीक है। अभी ओरेकल ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई पाइथन अचानक से डिमांड में कैसे क्या आने लगा। ये समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि देखिए दो प्रकार की बड़ी लैंग्वेजेस, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं हम थोड़ी कि पाइथन डिमांड में क्यों है। तो आप देखिए जरा, ये एक स्लाइड है मेरे पास, आप अगर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन दिख रहा है आपको, पाइथन देखिए कब लॉन्च हुआ था, 1989 में, और जावा जो है वो उसके बाद लॉन्च हुआ था 1995, ठीक है। लेकिन बात ऐसी है कि जावा को लोगों ने इसके पहले बहुत ज्यादा प्रिफर किया, लेकिन कुछ मतलब अभी का अगर सिनेरियो देखें हम, 2020, उसके बाद 21 और अभी 22 जो आ रहा है, अभी का जो सिनेरियो आप देख रहे हो। ओके, एक अभी अब जरा एक स्लाइड्स को अगर आपने देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो जावा जो है ये पाइथन से बाद में आई, ठीक है, और जावा मार्केट में काफी सारा डेवलपमेंट किया, और अब जाके कब लोगों को पता चल रहा कि पाइथन पढ़ना पड़ता, स्टूडेंट बूम कर रहे कि चलो पाइथन स्टडी कर लेते हैं। हालांकि पाइथन नया है ऐसी बात नहीं है, पाइथन जावा से भी पुराना है। अगर आपने ईयर्स अगर देखे, 1989 में पाइथन निकला था और जावा जो है वो 1995 में निकला था, मतलब एक्चुअली पाइथन जावा से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन फिर भी हाल ही में पाइथन का बूम आया, और अभी अभी आया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझ लेते जरा। देखिए उदाहरण के तौर पे जरा, जब जावा था वो टाइम देख लेते हो, ये है 1995, ठीक है। तो मैं उसको कंसिडर करता हूँ कुछ इस प्रकार से कि वो जो टाइम था, मतलब मैं 1990s का टाइम लेता हूँ, ये जो टाइम है ये टाइम में जस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब आईटी सेक्टर जो है जस्ट डेवलप करना शुरू हुआ था। नहीं दे दूंगा। हेलो, अब आ रहा है आवाज? कि 1990s का जो टाइम है उस टाइम में आईटी सेक्टर जस्ट बिल्ड करना शुरू हुआ था, ठीक है। मतलब सभी चीजें नई नई थी। अगर थोड़ा प्रीवियस अगर देखे तो आज के टाइम में कैसा, पेन ड्राइव, लैपटॉप, टैबलेट,
ये सभी चीजें लोगों को अभी फैमिलियर हो गई है। लेकिन इससे मतलब 10 साल पहले के अगर टाइम देखो तुम, 10-20 साल पहले का अगर टाइम देखो, तो इवन पेन ड्राइव भी देखना बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत गिने चुने लोगों के पास पेन ड्राइव रहा करते थे, अभी तो हर किसी के पास पेन ड्राइव रहता है। तो हम बात कर रहे हैं 1990s की, तो वो टाइम में जस्ट आईटी सेक्टर ना बिल्ड होना शुरू हुआ था, मतलब डेवलपमेंट ही चालू था। अभी का वक्त ऐसा है, अभी का वक्त ऐसा है कि ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें डेवलप हो गई है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। लेकिन वो टाइम में डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट था, डेवलपमेंट के तब ज्यादा हम फोकस कर रहे थे। तो उस टाइम में जो नीडेड लैंग्वेज थी, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी लोगों को, वो दिया सन माइक्रोसिस्टम ने, और उनका प्रोडक्ट था जावा। जावा में अलग अलग प्रकार के वेब एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, ठीक है। जावा में वेब एप्लीकेशन बनते हैं, जावा में सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, अलग अलग प्रकार के वेब एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर्स है, लाइब्रेरीज हम बना सकते हैं, पैकेजेस हम बना सकते हैं। ये काफी सारी चीजें जो है वो जावा में होती है, ठीक है। और लोगों ने इसको खूब पसंद किया वो टाइम में। क्यों? क्योंकि वो टाइम में डेवलपमेंट था, बहुत कम लोगों लोग मतलब बहुत कम लोग जो है वो वेबसाइट बनाया करते थे, और वेबसाइट बनाने के लिए भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट बनाती थी। लेकिन आज का टाइम तो ऐसा है कि तुमने खुद की शॉप भी खोल ली, या फिर खुद का छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, तो भी तुम खुद की वेबसाइट बनवा सकते हो। लेकिन वो टाइम में एक्सपेंसेस इसके ऊपर बहुत ज्यादा था, क्योंकि गिने चुने लोग ही उसमें काम करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया, और उसके और लोग उस चीज को हैंडी हो गए हैं। आज हम अगर देखते हैं तो 98% बिजनेस जो है, 98% जो आईटी में है, उनके वेबसाइट तो होते ही होते हैं। जो आईटी में है उनका वेबसाइट तो होता है, वेबसाइट कोई भी बिजनेस में तो बहुत ही एकदम कॉमन चीज हो गई है आईटी केस में। तो वो टाइम में बनाना जो स्टार्ट हुआ, हम उदाहरण, मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल कि आपकी खुद की एक ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। इमेजिन कीजिए आप लोगों ने एक ई कॉमर्स कंपनी ढूंढ ली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर राम का एग्जाम्पल रहता हूँ। राम ने क्या किया, एक ई कॉमर्स कंपनी डाल दी। ई कॉमर्स कंपनी मतलब मालूम है आपको, एक ई कॉमर्स साइट बनाई। कोई बता सकता है आपको ई कॉमर्स साइट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, ई कॉमर्स साइट मतलब क्या होता है आपको मालूम है, आप लोग रोज इसका इस्तेमाल करते हो। अमेजोन है, उसके बाद में फ्लिपकार्ट है ना, उसके बाद में आपको मालूम होगा मीशो है। ऐसे अलग ना जाने क्या क्या है, बहुत सारी साइट्स है जो ई कॉमर्स में काम करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि राम नाम का एक बंदा था, और उसने एक ई कॉमर्स साइट डाली। इसमें से कोई भी आप पकड़ लो, आपको जो भी ठीक लगे, ठीक है। जब ये इमेजिन कीजिए उसने साइट बनवा ली, पूरी की पूरी साइट बनवा ली, और साइट अभी की कंडीशन में नई है, साइट बन गई है और साइट नई नई है, क्या होगा, लोग अलग अलग प्रकार के लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, करेक्ट। इस साइट में इमेजिन करो कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग लॉग इन कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, उसके बाद में ऑर्डर्स डाल रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेटा बढ़ते जाएगा, ऑर्डर्स जाएंगे, ट्रांजेक्शन होंगे, ये जो नॉर्मल चीजें हुए वो सभी हो इस नए नए जो साइट है उसमें होती रहेगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन होते रहेंगे। आपको मालूम होगा कि ई कॉमर्स साइट पे नए नए एड्स आते हैं, उसके बाद में ऑफर्स भी आते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसको परचेस करना स्टार्ट करते हैं। जब नया नया होता है तब थोड़ा टाइम लगता है, दिक्कत होती है। इमेजिन कीजिए राम ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, और राम ने ये सारा मतलब लोग हजारों की तादाद में उसकी साइट को एक्सेस कर रहे हैं, और उसके पास क्या जमा हो रहा है, उसके पास जमा हो रहा है डेटा, ठीक है। आपको अगर मालूम होगा कि जब सेल रहता है, आपने टीवी पे देखा होगा बिग बिलियन डेज, फ्लिपकार्ट में इधर उधर से आपको पता चलता है कि सेल है। सेल के दिनों में क्या होता है कि अगर राम की वेबसाइट में डेली ट्रैफिक है सपोज 1,000 लोगों का, अगर 1,000 पीपल, 1,000 मशीन्स बोल सकते हैं आप इसको, डेली आते हैं, लेकिन जब सेल रहे, सेल्स के टाइम में क्या होता है, ये जो 1,000 लोग हैं ये 1,000 डेली तो आते ही है, लेकिन सेल के दिनों में ऐसा होता है कि
ये क्वांटिटी हो सकता है 2000, करेक्ट, 2000 पीपल आ सकते हैं। हम यही देखते कि कम में क्या मिले। अब इसमें क्या होगा, राम ये सोचेगा कि बिजनेस को और कैसे बढ़ाए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए राम को क्या देखना पड़ेगा, राम को देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शंस। राम को ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार के लोगों के अकाउंट हमारी वेबसाइट पे है, कितने प्रकार के लोग अलग अलग सिटी से बिलोंग करके है, कौन कौन सी सिटी में रहता है, किसका लोकेशन क्या है, किसने किस। सर आवाज ब्रेक होता है। ओके, आवाज ब्रेक हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, राम ने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया उसमें राम ये सोच रहा है कि बिजनेस को और कैसे बढ़ाए, और उसके लिए वो ये चेक करेगा उसके रिकॉर्ड्स। इमेजिन कीजिए, अब रिकॉर्ड्स चेक करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट को 100-200 लोग ही इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो आप रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई इस अकाउंट से इतनी इतनी ऑर्डर्स हुई है, या फिर कौन बंदा किस प्रकार की चीज को प्रिफर कर रहा है, ये आपके पास आप डायरेक्टली देख सकते हो। मतलब इंसान डायरेक्टली उसको स्टडी कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये बहुत बड़ी बड़ी साइट है, और वो खरबों की तादाद में उनके पास अकाउंट्स है लोगों के, रोज कितने तो भी प्रकार के लोग अलग अलग ऑर्डर्स करते हैं, बराबर। इमेजिन कीजिए, अगर अमेजोन वाले ने ये सोचा कि उसको एक सेल्स डालना है, ठीक है, तो सेल्स डालने के लिए वो ये तो देखेगा नहीं कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है सेल्स डालने के लिए। अब कौन सा टाइम बेस्ट होता है ये कैसे ढूंढेगा वो। अब इंडिया में जो टाइम होता है सेल्स का, आपने अगर गौर किया होगा तो इंडिया में जब दिवाली का टाइम रहता है तब सबसे ज्यादा सेल्स रहते हैं। कभी ये चीज गौर किया आप लोगों ने, यस सर। कभी चीज गौर की, ये दिवाली का जो टाइम रहता है तब सबसे ज्यादा सेल्स होता है। आप जरा गौर करना इस चीज को। अब हम उदाहरण जो राम का दे रहे थे, तो राम ये देखेगा कि कौन सा टाइम ऐसा है कि जिस टाइम में लोग सबसे ज्यादा खरीदी करते हैं, सबसे ज्यादा खरीदना कुछ पसंद करते हैं। तो इंडिया के हिसाब से दिवाली का टाइम ऐसा होता है जिसमें हर कोई खरीदी करता है। तो अगर तुमको खुद की कोई चीज अगर बेचनी है तो सबसे ज्यादा पावरफुल मैकेनिज्म वही होगा कि भाई तुम लोग क्या करो, सेल लगाओ उस चीज का। ये चीज दिमाग में लाने के लिए राम के पास क्या था, राम के पास था रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स को एनालिसिस करना जरूरी होता है। रिकॉर्ड रिकॉर्ड राम ने ऐसे ही नहीं सोचा कि भाई चलो सेल ला लेते, नहीं, उसने ऐसे ही नहीं सोचा, उसने उसको एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के लिए कोई ना कोई टूल्स की जरूरत लेनी पड़ती है। तो राम ने जो किया वो किया एनालिसिस, लेकिन राम ने खुद एनालिसिस नहीं किया, उसको कोई ना कोई टूल चाहिए, बराबर। किसी तो भी टूल से हम एनालिसिस कर सकते हैं, ये टूल्स को बनाना पड़ेगा ना, उसको चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ तो लगेगा, करेक्ट। तो इसके लिए मतलब एनालिसिस पार्ट के लिए जो आपको टूल लगा या फिर जो चीज लगी वो कोई ना कोई लैंग्वेज में आती है, बराबर। इससे पहले आपने जो किया, मतलब आपने क्या किया, डेवलपमेंट किया सबसे पहले। तो डेवलपमेंट जब आपने किया तब कोई ना कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और लैंग्वेज सपोज चूज की, इमेजिन करो कि जावा में आपने कुछ तो भी बनाया, फिर पाइथन कहाँ आ रहा है। पाइथन का प्लस पॉइंट यह है कि आपको जो प्रोग्रेस करना है बिजनेस में या फिर एनालिसिस करना है, जिसके वजह से आपने डिसीजन मेकिंग किया, वो बिकॉज ऑफ एनालिसिस, और एनालिसिस करने के लिए सबसे मेन मतलब सबसे खास जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। पाइथन में कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, पाइथन में अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इतना सारा डेटा जो है ई कॉमर्स साइट में मतलब ट्रैवर्स होता है, सेव होता है, उसके ऊपर से। ओके, सो डेवलपमेंट जो पार्ट रहता है उसमें मैक्सिमम लैंग्वेज जो प्रिफर की है हमने जावा प्रिफर की, और जब एनालिसिस का टाइम आया, क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद एनालिसिस मतलब उसके ऊपर से कुछ डिसीजन मेकिंग अगर करना है तो फिर पाइथन लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर स्लाइड आप देखोगे तो इसमें प्रिफरेबल देखिए, पाइथन भरी पुरानी थी, ठीक है,
लेकिन वो क्या कर सकते हैं, एनालिसिस अच्छा होता है और उसके ऊपर से आप डिसीजन मेकिंग करते हो। लेकिन लोगों ने चूज किया जावा को पहले क्योंकि तब डेवलपमेंट की जरूरत थी, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि लोगों के पास ऑलरेडी बनी बनाई साइट्स है, मतलब डेवलपमेंट ऑलरेडी अच्छा है, अब बस इसको क्या करना है, ग्रो करना है। ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग कुछ मिल सके, हमारे पास जो डेटा है उसमें से कोई डिसीजन मेकिंग हो सके, ये चीजों के लिए अब जो टूल्स चाहिए वो डिसीजन मेकिंग करने वाले टूल्स चाहिए और लैंग्वेजेस भी वैसी चाहिए। तो इसीलिए कंपनीज अभी जो प्रीफर कर रही है वो पाइथन को प्रीफर कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप देखिए, आपको पता नहीं, मतलब शायद मुझे मालूम नहीं कि आपको पता है या नहीं, कि आपने गाड़ियों में देखा होगा तो काफी सारा चेंज आ गया है। पहले अगर आपने कार को देखा होता तो अभी कुछ एडवांस कार है, मतलब छोटी मोटी कार को भी अभी बैक कैमरा आता है, मतलब गाड़ी जब हम रिवर्स लेते हैं तो ड्राइवर को पीछे का जो कुछ भी है वो दिखने लगता है। ठीक है, और कुछ गाड़ियां तो ऐसी है कि अगर पीछे कोई दीवार है, पीछे अगर कोई दीवार है तो उसको आप एकदम दीवार को लगने वाले हो, इसका भी इंडिकेशन उस कार में होता है। तो ये जो चीज है, गाड़ी को कैसे पता चला कि पीछे दीवार है या फिर अपन एकदम लगने वाले हैं, अभी उसको भिड़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पे कुछ तो भी एनालिसिस होगा, कुछ तो भी कैप्चरिंग होता होगा, राइट। तो ये सब कुछ करने के लिए जो टूल्स लगते हैं, जो लैंग्वेजेस, जो लाइब्रेरीज लगती है, वो सारी की सारी लाइब्रेरीज जो है वो पाइथन में है। ठीक है, पाइथन एकदम रिच लाइब्रेरी वाली लैंग्वेज है, इसके अंदर आप काफी सारे अलग अलग मतलब काम कर सकते हो। अब आपने सोचा होगा कि यार लाइब्रेरी क्या होती है। देखो, लाइब्रेरी वाला काम तुम लोगों ने कई बार किया हुआ है। अभी मैं आपको सी लैंग्वेज का ही उदाहरण देता हूँ, आप इसको हेडर फाइल भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि सी लैंग्वेज में आप सभी को मालूम है, सी लैंग्वेज में हम कोई भी अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो हम देखिए ऊपर लिखते हैं हम हैश इंक्लूड stdio.h, राइट, हैश इंक्लूड onio.h, ऐसा लिखते हो। तो वो जो चीजें तुम लिखते हो ना, वो एक प्रकार के क्या हो गई, वो हेडर फाइल्स हो गई, मतलब उसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सेम वैसा ही पाइथन में अलग अलग प्रकार का कोड लिख सकते हैं आप, अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पाइथन में दी हुई है। अब पाइथन लगे तो कौन से सेक्टर में काम करता है वो देख लेते हैं। देखिए, पाइथन अलग अलग सेक्टर में काम करता है, कुछ सेक्टर्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है, आप देखिए अलग अलग सेक्टर में पाइथन में काम होता है। उसमें से सबसे अभी जो बूमिंग सेक्टर है वो है अपना AI एंड मशीन लर्निंग। अभी जो मैंने आपको गाड़ी वाला एग्जांपल दिया वो AI में आता है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खुद मशीन ही समझे कि क्या करना चाहिए, क्या करना सही होगा, ऐसा खुद मशीन। AI का बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके मैक्सिमम लैपटॉप्स में प्रेजेंट है। AI का काफी सारा मैकेनिज्म, मशीन लर्निंग का काफी सारा मैकेनिज्म आपने उसका जादू देखा हुआ, जैसे कि आपने फेस रिकॉग्निशन देखा होगा, आपने कई सारे लैपटॉप ऐसे देखे होंगे कि जो ओनर है उसका फेस स्कैन होता है और वो लॉगिन कर जाता है। इवन हमारे जो मोबाइल है, मोबाइल में देखिए कुछ लॉक पैटर्न्स ऐसे होते हैं, तो फिर कुछ लॉकिंग सिस्टम ऐसी होती है कि जिसमें वो आंखों को स्कैन करते हैं और आप लॉगिन हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो है वो AI के अंदर आती है। और कुछ आप लोगों ने, आप कुछ बता सकते हो कि AI सर यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है क्या, कोई एग्जांपल आप कोई बता सकते हो? एग्जैक्टली क्या क्या कहा सौरभ? एलेक्सा। एलेक्सा बराबर, एलेक्सा AI का एग्जांपल है। और कुछ जहाँ पे आपने देखा होगा कि ये AI हो सकता है? AI मतलब सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, एलेक्सा है। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अपनी स्क्रीन पे। दूसरा पार्ट जो जहाँ पे सेक्टर है, जहाँ पे यूज होता है, वो है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या हो सकता है, नाम पे से क्या लगता है आपको? डेटा एनालिटिक्स, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया राम का, जो एक बिजनेसमैन है और जिसने सेल्स कब लॉन्च करना चाहिए उसका डिसीजन लिया, ये काहे के ऊपर से लिया? उसके पास डेटा था,
बराबर, और उसने उस डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म किया होगा, करेक्ट? उसके ऊपर से उसने डिसीजन मेक किया, तो वो सारी चीजें जो होता है डेटा एनालिटिक्स होती है। मतलब पास्ट इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है उसको प्रोसेस करके जो कुछ भी आउटपुट आता है वो चीज मतलब डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, कुछ आप बता सकते हो एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स का कि सर ये डेटा एनालिटिक्स हो सकता है? अच्छा, डेटा एनालिटिक्स वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना है, मतलब जो जो डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो इसके ऊपर से अगर कुछ ये अगर मेक करते होगे तो डेटा एनालिटिक्स का। मैं आपको सबसे अच्छा अगर उदाहरण दूं डेटा एनालिटिक्स का तो वो ये है कि डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कई बार रिकमेंडेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तब आप बोलेगे ये चीज क्या होती है रिकमेंडेशन, ये चीज आप रोज देखते हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने YouTube पे कई बार देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अरिजीत सिंह का गाना अभी सुना या फिर अरिजीत सिंह का एक आधा गाना देखा, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है YouTube आपको उसी प्रकार के गाने सजेस्ट करने लगता है। सही है, अगर आपने अभी हाल ही में जो मूवी लॉन्च हुई है पुष्पा, राइट? एग्जैक्टली, पुष्पा मूवी जो लॉन्च हुई है उसमें अभी मैंने सुबह ही उसका ट्रेलर देखा, तो थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि उसके गाने, उसकी कास्टिंग, उसके अलग अलग वीडियोस जो है मुझे सजेशन चालू हुआ। तो ये कैसे क्या हो गया? एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो ऐप ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ओपन किया मैंने, और यूट्यूब ओपन करने के बाद मैंने वो जब वीडियो प्ले किया तब उनके पास मेरा लोकेशन, मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, मैंने क्या सर्च किया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर्वर के ऊपर स्टोर्ड होगी। ठीक है, और सर्वर के ऊपर जो रिकमेंडेशन अल्गोरिदम है उनको ये लगा कि ये बंदा इस चीजों में इंटरेस्टेड है, तो उस हिसाब से वो वाले कंटेंट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। मतलब उनके पास, मतलब सर्वर पे बहुत ज्यादा डेटा है, उसको एनालिसिस किया और उसके ऊपर से मुझे क्या सजेशन देना चाहिए वो सजेस्ट किया। इसका मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन पे हो, ठीक है, और आपको एक पेन ड्राइव खरीदना है। आपने पेन ड्राइव को सर्च किया लेकिन आपने खरीदा नहीं, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने पेन ड्राइव को जस्ट सर्च किया लेकिन आपने उसको खरीदा नहीं, तो आपने अगर कभी गौर किया होगा उस दिन के बाद से आप जब भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करोगे, आप सोशल मीडिया मतलब फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर कोई अदर ई कॉमर्स साइट हो, आपको उस साइट पे या फिर उस प्लेटफॉर्म पे उसी रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आपने कभी देखा है ऐसा कि आपने कोई लैपटॉप सर्च किया या फिर पेन ड्राइव सर्च किया तो उसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आपको शो होना शुरू हो जाती है? कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? यस सर। एग्जैक्टली अर्पित, बराबर विशाखा, ऐसा होता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम जिस डिवाइस में से उसको एक्सेस कर रहे हो, तुम एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर की जाती है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन सर्वर पे, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है सर्वर पे स्टोर होती है, और इससे लीड जनरेट करते आने चाहिए। इस प्रकार के लिए जो है डेटा एनालिटिक्स जो होता है कंपनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है डेटा एनालिटिक्स का, किस प्रकार के लोग किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, इसका मैं और एक जबरदस्त उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, अभी वक्त है हमारे पास। आप लोगों ने जोमेटो के बारे में सुना होगा, आपने सुना क्या, आपने कई बार ऑर्डर भी किया होगा, आपको पता भी होगा, राइट? आप सभी को मालूम है जोमेटो के बारे में? बराबर, और अर्पित आप सभी को मालूम है, हम देखते रहते हैं, हम ऑर्डर करते रहते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि जोमेटो पैसे कैसे कमाते होंगे? जोमेटो वाला जो है उस पे वो खुद पैसे कैसे कमाता होगा? हम तो क्या करते हैं, अगर सपोज कोई रेस्टोरेंट है फॉर एग्जाम्पल, हाँ चलो सौरभ का बोलना है कमीशन, लेकिन कमीशन क्या इतना बड़ा होगा क्या सौरभ, इतना सब कुछ चला रहे, वो तो उतने एक्सपेंसेस होंगे यार उनके, है ना? पेट्रोल को लग रहा है, वो जो डिलीवरी बॉय है उसको लग रहा है, करेक्ट है? कमीशन ये एक ही चीज हो गई है। अब यहाँ पे जोमेटो क्या कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है।
उसको कैसे क्या पूर्ता होगा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास में थाई चाइनीज है, वहां का नूडल्स मुझे पसंद है, तो मैं जोमेटो से ही सपोज उसको ऑर्डर कर देता हूँ, वहां से आ जाता है। अब उसको कमीशन मिलके मिलके कितना मिलता होगा? 10% 20% समझ लो। लेकिन वो भी इतनी चीज नहीं हुई, उसका मेन पर्पस क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। जोमेटो क्या करता है, जोमेटो इज कलेक्टिंग योर डेटा एंड डेटा इज अ पावर, समझो इस चीज को। जोमेटो का सेकंड बिजनेस जो मॉड्यूल है वो है कि जो कोई बड़ा बिजनेस है, सपोज मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूं और मैं कोई इटालियन रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, ठीक है, तो जोमेटो क्या करता है, जोमेटो के पास किस प्रकार के लोग, किस प्रकार का पसंद एटम या फिर किस प्रकार का सब्सटेंस पदार्थ पसंद करने वाले लोग किस एरिया में रहते हैं, ये पूरा डेटा है। मैं अगर अमरावती की बात करूं, अपने एरिया की बात करूं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जोन जो है सपोज गाड़गे नगर राठी नगर इस साइड में, ठीक है, तो अगर जोमेटो के पास किस प्रकार का डेटा होगा, जोमेटो के पास डेटा है कि गाड़गे नगर राठी नगर में क्या चल सकता है, कि वहां पे चाइनीज की गाड़ियां चलती है, वहां पे मंचूरियन लोग बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास डेटा है कि गनेडीवाल लेआउट जो है या फिर जिधर अपना कोर्ट का एरिया है, रिच रिच एरिया है उधर, सपोज उधर इटालियन फूड खाने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो ये जो इटालियन बिजनेस डालने वाला आदमी है, इसको जोमेटो वाला ये बताता है कि तुम जो आइटम बेचने वाले हो उस आइटम को खरीदने वाले लोग किस एरिया में रहते हैं, तो तुमको फायदा उस एरिया में होटल डालने से होगा। ये जो है ना, ये बिजनेस असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात हो। जोमेटो के पास डेटा है कि किस प्रकार के लोकेलिटी वाले, किस प्रकार का ऑर्डर टाइप करने वाले लोग किस एरिया में रहते हैं, तो जोमेटो इस प्रकार का डेटा प्रोवाइड करता है कंपनी को, और उन कंपनियों से जोमेटो हैवी फी लेती है, करोड़ों में अरबों में वो पैसा रहता है। इसीलिए जोमेटो को ये बिजनेस करना मतलब उसको फायदेमंद होता है, क्योंकि उसके पास डेटा है। समझ में आ रही बात आपको? तो जोमेटो क्या कर रहा है, उसने क्या इस्तेमाल किया, उसने इस्तेमाल किया डेटा एनालिटिक्स का। ये एग्जांपल बताया मैंने आपको डेटा एनालिटिक्स, ओके। ऐसे ही है हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब जिसमें डेटा आप देख सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन आपने कई बार देखा होगा जिसमें ग्राफ्स बनते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि लॉकडाउन के टाइम में कितने लोगों ने इंटरनेट का यूज किया, अब आपने देखा होगा टीवी पे कई बार, या फिर कोरोना के पेशेंट इस एरिया में इतने इतने हैं, तो टीवी पे जो ग्राफ आते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में जो ग्राफ आते हैं, वो जो एग्जाम्पल हो गए है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। इन डेटा विजुअलाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन जो है ये पाइथन में बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। उसके बाद में है प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन भी कई सारे हैं, अलग अलग जगह कैलकुलेशंस होते हैं। उसके बाद में है वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन का, सेक्टर्स है एक्चुअली ये अलग अलग, मैंने तो थोड़ी देर पहले बताए थे आपको कि वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट्स जिसमें बनती है, वेबसाइट दो प्रकार की होती है, स्टैटिक होती है डायनेमिक होती है, तो हम इसमें वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद में इसका यूजेस है गेम डेवलपमेंट पे, आप पाइथन का इस्तेमाल करके गेम भी डेवलप कर सकते हो। कुछ गेम आपको बहुत ज्यादा पता ही होगी, आपको मालूम ही होगी, लॉकडाउन के टाइम में हमने गेम ही खेले है ना, पबजी वगैरह आपको मालूम होगा, इसमें गेम डेवलपमेंट भी होता है। उसके बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट, आप इसमें लैंग्वेजेस भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक और पार्ट है वो है फाइनेंस, फाइनेंस पैसों का मैनेजमेंट, ठीक है, सब कुछ फाइनेंस में से होता है। शेयर मार्केट में जो होता है प्रिडिक्शन, या फिर बैंकों में जो होता है, ये सब कुछ फाइनेंस के बेसिस पे तो है। तो ये अलग अलग सेक्टर है जहां पे पाइथन हम इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथन पढ़ना मतलब क्या, इसमें से एक सेक्टर में हमको जाना है, ठीक है, पाइथन पढ़ना मतलब इसमें से एक सेक्टर में हमको जाना है। और इसमें से सबसे ज्यादा जो सेक्टर देख रहे हैं हम, वैसे तो वेब डेवलपमेंट है, और वेब डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, हम चाहे तो एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाहे तो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाहे तो डेटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये वेब डेवलपमेंट में किया जा सकता है। तो हम इसमें ये जो बैच है, एक्चुअली ये बैच जो है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस बैच को हम पाइथन फुल स्टैक बना रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो मैं अभी फुल स्टैक का मीनिंग आपको बताना चाहूंगा कि हम पाइथन पढ़ाने वाले हैं, लेकिन फुल स्टैक मतलब होता है ऐसा बंदा जो टॉप टू बॉटम हर उस तरह का प्रोजेक्ट कर पाए। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहले करना पड़ता है आपको एनालिसिस, उसके बाद में आपको डिजाइनिंग करना पड़ता है, उसके बाद में आपको कोडिंग मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है वो करना पड़ता है, और उसके बाद में आप करते हो टेस्टिंग, और फिर होता है डिप्लॉयमेंट। ये पांच चीजें जो है ये करते हैं अपन जो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो इस पेज, इस प्रोजेक्ट में या फिर इस बैच में, मैं इसको फुल स्टैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी में ये एक एक चीज करने के लिए अलग अलग बंदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनालिसिस करने वाला एक बंदा, डिजाइन करने वाला एक बंदा, उसके बाद में कोडिंग करने वाला एक बंदा है, उसके बाद में टेस्टिंग करने वाला एक, और ऐसे डिप्लॉयमेंट मतलब जो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट के साथ बात करते हैं उनके लिए। मतलब अगर सोचा जाए तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कितने लोगों की है? 5 लोगों की, करेक्ट। और फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? फुल स्टैक मतलब एक ही ऐसा बंदा जो इन 5ों का काम करता हो। ठीक है, मतलब एक ही बंदा जो ये 5 काम उसको आते होंगे, वो खुद ही एनालिसिस कर लेगा, वो खुद ही उसके ऊपर से डिजाइन कर लेगा, खुद ही कोडिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट कर लेगा। तो ये जो चीज होती है, ये 5ों काम एक बंदे ने अगर किया तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक। ठीक है, आपको क्लियर हुआ फुल स्टैक का मीनिंग? एकदम क्लियर है, राइट? ओके, आप लोगों ने कई बार, राइट अरबित, आपने कई बार अगर आप देखे होगे तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, मैंने डाला पाइथन फुल स्टैक, फुल स्टैक वैकेंसी। तो पाइथन फुल स्टैक के लिए बहुत ज्यादा हेवी पेमेंट कंपनी करने को तैयार होती है, क्योंकि कंपनी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि 5 लोगों का काम अगर कोई एक बंदा कर रहा होगा तो हो सकता है मैं उसको 2 लोगों की सैलरी दे दूं, करेक्ट है? तो मेरी 3 लोगों की सैलरी बच गई ना, तो मैं क्यों 5 लोग हायर करूं? तो इसीलिए पाइथन में फुल स्टैक डेवलपर जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, अच्छे है, और कंपनी प्रिफर करती है। हाँ, लेकिन कंपनी वाले जो है वो उसमें एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, उनको एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है। तो बेसिक अगर आप अगर कम टाइम में इसका स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, क्योंकि इतना डेवलपमेंट सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, इतना आसान भी नहीं होता, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझनी होती है। तो ये जो बैच हम बना रहे हैं, इस बैच में मैं यही देखने वाला हूँ, क्योंकि देखिए हम अलग अलग लाइव प्रोजेक्ट्स में हम काम करते रहते हैं, तो मैं हर बैच में से कुछ अच्छे डेवलपमेंट करने वाले बंदे चूज करता हूँ ताकि मैं उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में उनसे डेवलपमेंट करवा सकूँ। और यहाँ पे काफी सारे कंपनी के साथ हमारे टाई अप्स भी है, तो कई बार हमको रिक्वायरमेंट पता चल जाती है, तो ऐसे समय पे हम, हमारे पास जो डेवलपर है या फिर हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी हम रिकमेंडेशन वहाँ पे देते हैं, तो जॉब के चांसेस भी है वो आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे तो इस बैच के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट डेवलप करके बताने वाला हूँ आप लोगों को कि हम कैसे काम करते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर डेवलपमेंट मतलब कोडिंग तो आ गई, साथ ही में प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करते हैं ये चीज भी उसमें पढ़ाने वाला हूँ। और ये मेरी तरफ से एक प्रोजेक्ट हो गया, बैच होने के बाद कंपनी की तरफ से और एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आपको खुद काम करना है। ठीक है, पहले इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, दूसरा आपको खुद करने की कोशिश करना है ताकि आपको और अच्छे समझे। देखिए, कोई भी बैच जो है उस बैच में हमेशा ये देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि फ्यूचर जो है, फ्यूचर कंपनी जो चाहती है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का नॉलेज चाहती है आप लोगों से। ठीक है, बेसिक, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सभी लोग बेसिक तो सबका ही, सबको ही मालूम रहता है बेसिक चीज क्या है, लेकिन रियल जो नॉलेज होता है वो एक्सपीरियंस से आता है, डेवलपमेंट से आता है, तो वो आपको करना है, तो इस बैच में वही होने वाला है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं,
मैंने ये सेशन भी रिकॉर्ड कर लिया, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ये सेशन की लिंक। सो आई होप आपको कोई मतलब कोई डाउट है आप लोगों को इस सेशन में, हमने तो जस्ट स्टार्ट किया है, वैसे ये फर्स्ट फ्री डेमो है। तो मैंने आज जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया पाइथन एग्जैक्टली क्या है, स्टार्ट किया सिर्फ। कल हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे कि हम पाइथन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन से टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं, उन टूल्स को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं और इस्तेमाल कैसे। ठीक है, सो एनी डाउट्स, आप कोई डाउट है आपको? ओके ओके, नो डाउट्स। चलिए, आपको कभी भी कोई डाउट्स हो तो आप एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो या फिर मुझे ऑफिस टाइम में कॉल भी कर सकते हो। सो डोंट वरी, ठीक है, हम पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं डेवलपमेंट। ओके, सो इस बैच में और एक चीज है, ये बैच के एंडिंग में हम एक इंटरव्यू सेशन भी कंडक्ट करेंगे। सो जो जो लोग इस बैच मतलब बैच को अटेंड करेंगे उनको मैं एक मॉक इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चनिंग होती है, पाइथन में क्या क्या पूछते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स होशियार होते हैं, स्टूडेंट को कंसेप्ट अच्छे से पता होते हैं, लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है, उस कंसेप्ट का आंसर कैसे देना है, यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट मात खा जाते हैं और वहां पे उनका चांस जो है इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का वो कम हो जाता है। तो ऐसे समय पे क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सभी मैं इसमें बताऊं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कल फिर से हम इसी समय पे मिलेंगे और यहां से आगे का काम मतलब आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस डेमो, थैंक यू सो मच।